हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ खतरनाक वाले मीम। शाउट आउट टू मीम भाई, लेट्स बिगिन द वीडियो। और ज्यादा बकवास नहीं करते, ओके लेट्स गो। तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मम्मी मैंने कितने बार आपसे बोला कि मेरे लिए रिश्ता मत ढूंढो, और सुष्मिता है ना मेरे लाइफ में, मैं उससे ही शादी करूंगा। लड़की दिखने में, अरे वो दिखने में मिस यूनिवर्स रहने दो, कितना ही पैसा कमाती रहने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जॉब में नहीं है, जॉब नहीं है। मम्मी सुष्मिता आईटी में जॉब करती है, 12 लाख का पैकेज है, 12 लाख का। क्योंकि इसका पापा का 2 रेस्टोरेंट 4 बार है, और इसका पास 30 सिक्के भी है। 30 से ज्यादा सिक्के हमारे पास भी है। ये सिक्के नहीं है थे? वो तो कुछ बिटकॉइन है सब। अच्छा बिटकॉइन, बिटकॉइन, बिटकॉइन। यार सुष्मिता मैं तुझसे नहीं शादी कर सकता, समझ जा, मेरी मम्मी ने मान ली है। सॉरी यार, आई एम सॉरी, बाय बाय बाय। सही बात है भाई, 30 बिटकॉइन समझ रहे हो तुम, इतने में प्यार तो बिक ही जाना चाहिए। वैसे जो भी लोग कहते ना भाई, उनका प्यार स्पेशल है, वो नहीं बिक सकता, वो लोग देख लो ये वीडियो, 30 बिटकॉइन में बिक गया ये। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आपका वाला तो 1 बिटकॉइन भी ना रुके। जिस घर में कुत्ते हो उस घर की रसोई का भोग ठाकुर जी कभी नहीं बनाता, याद रखना। और आज के युग में कुत्ते पालने का बहुत बड़ा शौक चल रहा है, ये रसोई पवित्र हो जाती है। भाई पता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार, वो भी लिविंग बींग है, हम भी लिविंग बींग है यार, आप ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते किसी में। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। हैवी ड्राइवर, अरे टेम्पो है भाई। भाई मुझे लिटरली पता है क्या लग रहा था, मुझे लग रहा था वो छोटा वाला जो वो क्या मैजिक, वो मैजिक नाम है ना उसका, मैजिक नाम है शायद, हाँ टाटा मैजिक, मुझे लगा वैसा कुछ गाड़ी है। भाई ये टेम्पो में इतना सारा कैसे लोड कर रहा है। बड़ो के आपके 1 करोड़ की लॉटरी लगी, क्या सोच के आपने टिकट लिया था? मैम मैं ना आज सब सुबह उठा ना, तो मैंने देखा आसमान में 5 पक्षी उड़ रहे हैं। अच्छा, और तारीख अच्छा। थी 9, तो अच्छा 5×9=41, तो मैंने 41 अच्छा। नंबर के टिकट थे। लेकिन 5×9 तो 45 45 हाँ वही तो, मगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी लॉटरी नहीं लगती। Nice. भाई सही बोला वैसे इसने। अब जो लोग देखो पढ़े लिखे होंगे वो लोग भी ऐसा फॉलो करते अगर, तो वो लोग 45 ले लेते ना। ये नहीं पढ़ा लिखा था तो ये लॉटरी जीत गया भाई। क्या कह रहे हो, ये भी डिग्री पे मुत्ता हुआ दिख रहा है। बेबी मेरे लिए कोई सॉन्ग डेडिकेट करो ना। अभी कर देता हूँ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ये तो बहुत घिसा पिटा गाना है, कोई दूसरा गाना गाओ। अभी कर देता हूँ। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत, आए है आए है, घिसा पिटा गाना, कोई दूसरा गाना गाओ ना। अजीब आदमी है यार। सही है यार। और सुनो, तुम्हें और नए नए गाने चाहिए ना, ऐसे ही मिलते हैं आजकल के गाने। मुरली को सचिन पाजी बोलते थे, अगर आपको थंब दिख गया तो आप मुरली को अच्छा खेल सकते हैं। बट मुरली के फेस से थंब दिखता नहीं था, क्योंकि थंब ब्लैक, मुरली ब्लैक। रेसिज्म कट कर देना प्लीज। वाह क्या सीन है। अरे और जेलर और कैदी, वाह भाई रीले बन रही है जेल में। भाई हम लोग सोच रहे कि मुजरिम इतने ऐसे खुले खुले क्यों घूम रहे हैं, ये हो रहा है भाई जेल में। वैसे यार ये हो रहा है तो हम भी जा सकते हैं ना, मजा तो है। फिर कुछ बोल दो, मैं आपको बताऊं, 470 की बात कर रहे हो, ये यहाँ पर कुछ ऑटो खड़े हैं, कितने सारे, एक बार भाई घुमाना, एक बार घुमा दो तो प्लीज भाई, एक बार ये सब ऑटो दिखा दो, सारे जितने भी ऑटो कार वार सब है। क्या मतलब, क्यों क्यों दिखा क्यों रहा है ये? अच्छा ठीक है, दिखा दो सारे, दिखा देना बड़े भाई, अब इधर ले वापिस, वापिस आ जाओ, ये सारे मेरे हैं भाई। डैम भाई डैम, भाई शक्ल से तो छपरी लग रहा था, बट सारे ऑटो का मालिक है ये। बट एक बात बताओ, ये तुम्हारे तो हो नहीं सकते ना, तुम्हारे पापा या दादा के होंगे ऐसा कुछ, मुझे तो ये करता रहो तुम्हें तुम्हारे। ब्रो स्टोल द शो। हाय हाय डांस तो, अरे वो कुत्ता कह रहा है ये मेरा इलाका है, ये सब छपरी बना, यहाँ नहीं होगा। कोई बात नहीं दीदी, फिर से रीस्टार्ट। अरे वो थक गई,
लड़की का स्क्रू शिट भाई, वो उल्टा सीढ़ी चढ़ने में थक रही है। प्रायोरिटीज फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये बात ये हमें क्या है यार, वो डांस करके चली जाएगी, हम जो करने आए वो तो कर लें। सेम टू सेम इस वाली ड्रेस का प्राइस कितना है? 1500। अरे रियल भाई, भाई बिल्कुल सेम टू सेम ही तो लग रहा है ये। और एक बात बताओ, ये 1500 में ये नेट पहन के कौन कहाँ जा रहा है? ये पहन के क्या करूंगा, इससे बढ़िया नंगे घूमूं मैं। ले भाई जूम कर दिया आराम से देख। अरे बस बात तो सही है यार, तुम लोग भी यही देखना चाह रहे थे ना, झूठ तो मत बोलो मेरे से, ठीक है? मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की हरकतें। आप तो बिजनेस वूमेन हो गई है, चल मिलती रहिए। धंधे वाली बिजनेस वूमेन, ओके। अबे धंधे वाली है क्या? पागल है, सॉरी यार, सॉरी, मेरा दोस्त ना थोड़ा गंवा रहे हैं, ऐसे पता नहीं है। वैसे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो मैं ही हूं। थोड़ा डार्क हो गया। काला जादू कर रहे ये भाई, बंगाल से है क्या तू? मुझे क्यों तोड़ा? भाई जरूरी है क्या ये सब करना तुम लोगों को? हद है भाई, इस प्यार को क्या नाम दूँ भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? क्या नाम दे, चलो देखते हैं क्या नाम दिया जाए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बुला रहा है, यार। बस यार अपने मोहल्ले में भी एक ऐसा चाहिए मुझे सीन। सॉरी सॉरी सॉरी, भाई honestly मुझे लगा कि कोई social advertisement है, ये मसाले का advertisement था। पर भाई मैं तो रोल बना रहा था। भाई तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या, ऐसे रोल नहीं बनाते हैं? वैसे यार ये मीम मुझे समझ में नहीं आया, उसने चाटा क्यों एट द एंड? आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, ओके? सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों के चेहरे पे थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आई तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे और भी ऐसी वीडियोस मैं लाता ही रहता हूँ, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।